बुद्ध भारतीय संविधान के शिल्पकार एवं उदयन धम्मा ग्रंथ के निर्माता, उदयन धम्मा ग्रंथ के निर्माता, संविधान के निर्माता महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, माता माता रमाई, सभी महामानव को मैं अभिवादन करता हूँ। मेरे गुरु आदर्श मदनतारे नागार्जुन सुरेश देसाई, उनको नमन करते हुए जो भी लोग श्रावक संघ इस धम्म देशना को सुन रहे हैं, सभी का अभिनंदन करते हुए अपने विषय के संबंध में आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। आज का विषय है नैतिकता। बुद्ध धर्म में नैतिकता को इतना महत्व है कि जितना और धर्म में जो ईश्वर परमेश्वर को महत्व देते हैं, उससे कई गुना ज्यादा बुद्ध धर्म में नैतिकता को महत्व दिया है। नैतिकता ही धर्म का मुख्य आधार माना गया है, इसलिए नैतिकता को सभी ने पवित्र मानना चाहिए। जब तक कोई चीज पवित्र के घेरे में नहीं आती, तब तक उस को मानना ये समाज के लिए एक बंधन कारक हो जाता है, क्योंकि वो समाज उस चीज को पवित्र मानता है। तो बुद्ध धर्म में नैतिकता को इतना महत्व है कि धर्म में इसको पवित्र मानना चाहिए। जैसे हम पांच शीलों को पवित्र मानते हैं, इट इज द पाथ ऑफ प्योरिटी, ये पवित्र का मार्ग मानते हैं पांच शीलों को, फाइव प्रिंसिपल्स को, उसी प्रकार उससे भी धम्म का मुख्य आधार है नैतिकता। और इसीलिए हम नैतिकता को धम्म में ज्यादा उसको आधार बनाए और उसको पवित्र मान करके उसके नैतिकता के अनुसार हम अपना आचरण करें, यही अपेक्षा बाबा साहब ने सभी समाज के लोगों को के साथ रखी है। इसलिए मैंने इस नैतिकता का विषय चुना है और नैतिकता के बारे में आपके साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ। ये नैतिकता किस लिए चाहिए? सिर्फ नैतिकता नहीं, तो नैतिकता ये पवित्र भी होना चाहिए और सर्वव्यापी भी होना चाहिए। द प्योरिटी इज मॉरलिटी मस्ट बी यूनिवर्सल एंड प्योर। ये मॉरलिटी कैसी होना चाहिए? प्योर होना चाहिए और यूनिवर्सल होना चाहिए, पवित्र भी होना चाहिए और सर्वव्यापी होना चाहिए। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको बहुत ही महत्व दिया है। तो नैतिकता का पहला जो नैतिकता किसके लिए होना चाहिए, इस बारे में उदयन धम्मा में कहा है बाबा साहब ने कि जो बेस्ट है, जो समाज में श्रेष्ठ लोग जो होते हैं, जो सर्वस्वी समाज के लिए समर्पण करते हैं, गृह त्याग करते हैं और पूरा अपना जीवन धम्म के काम के लिए समर्पित कर जाते हैं, ऐसे जो बहुजन के हित के लिए, बहुजन के कल्याण के लिए, सभी समाज के कल्याण के लिए जो काम करते हैं, जिनका मुख्य आधार कुछ भी नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास कुछ ये नहीं है, ऐसे जो समाज के कुछ लोग जो आगे बढ़कर आते हैं और समाज के लिए समर्पित हो जाते हैं, ऐसे लोगों को का सुरक्षा करना, ऐसे लोगों की सुरक्षा करना ये समाज का काम है। इट इज नीड ऑफ सोशल, ये नीड ऑफ सोशल है, नीड ऑफ सोसाइटी है, टू प्रोटेक्ट द बेस्ट, जो बेस्ट होते हैं उसको प्रोटेक्ट करना ये समाज की आवश्यकता है। अगर समाज ने
जो ऐसे लोगों को, अगर समर्पण करने वाले लोगों को पूरी तरह से समाज ने सुरक्षित किया, तो वो आदमी जो है पूरे समय, अपने जिंदगी के पूरे समय वो धमका काम करेगा, समाज के कल्याण के हित के लिए काम करेगा। वो सब छोड़ करके, गृह त्याग करके, सब कोई रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं, समाज और धम्म यही उसका सर्व सब कुछ है, ऐसा मानने वाले जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, सब पूरी तरह से समर्पित होते हैं, ऐसे लोगों को समाज में सुरक्षा देना चाहिए, चाहे वो दुर्बल हो। क्योंकि जो आपको मालूम है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जिसको कहते हैं, कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में क्या होता है, तो जो जो जीवन की एक पद्धत है, जीवन जीने की एक पद्धत है, थ्योरी है, उसमें जो शक्तिशाली होता है वही जीवित रहता है, और जो दुर्बल होता है वो नष्ट हो जाता है, उसको दूर फेंका जाता है। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जिसको कहते हैं, अस्तित्व के लिए, जो अस्तित्व होता है उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। बिना स्ट्रगल से, बिना संघर्ष से हम अस्तित्व को नहीं बनाए रखेंगे। इसलिए जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है, उसमें हु इज फिटेस्ट ओनली ही विल बी सर्वाइवल, वही सर्वाइवल हो सकता है। जो फिटेस्ट है, जो शक्तिशाली है, वही सर्वाइवल होता है, वही जीवित रह सकता है। ऐसे समय में हमें जो बेस्ट लोग हैं, जो समाज को समर्पण करने वाले हैं, ऐसे लोगों की रक्षा करना है, वो निर्बल है, जो दुर्बल है, ऐसे लोगों को भी हमें, अगर सब ने सहायता करके, उसकी मदद करके उसको सुरक्षित रखा, तो वो पूरी तरह से समाज में, समाज की सेवा करेगा और समाज के लिए काम करेगा। ऐसा एक आदमी मेरे पास आया था, कि जो पूरे भारत में घूमता है, तो उसको सब लोग सम्यक जीवी कहते हैं। वो मेरे पास 20 दिन रहा, धम्म सीखने के लिए आया था। तो वो ओबीसी समाज का है, ओबीसी समाज का है, उसने आजाद बौद्ध करके अपना नाम दिए लिया बनाया है, बताता है, और उसको पूरी तरह से बौद्ध का सर्टिफिकेट भी मैंने दिया है। तो वो ओबीसी रहने के बावजूद भी उसने ऐसी प्रतिज्ञा की है कि मैं पूरे जीवन भर धम्म का काम करूंगा। उसने LLB परीक्षा पास की, LLB हुआ है, और उसको वो उसने प्रतिज्ञा की कि मैं घर में नहीं जाऊंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, और मैं किसी के मौत में नहीं जाऊंगा। इस तरह से प्रतिज्ञा की है, और उसका सारा जो खर्चा है वो समाज के लोग करते हैं। तो रोज उसको कुछ, वो समाज के लिए समर्पित हुआ, रोज एक एक गांव में जाकर धम्म प्रचार करता है, कहीं भी खाता है वो, जैसे भोजन भी करेगा तो भिक्षा पात्र में भोजन करेगा, सोएगा भी तो नीचे सोएगा, और सवेरे 4 बजे उठेगा, 4 बजे उठ करके पूरा साफ सफाई, इतना कि कोई महिला भी जितनी साफ सफाई नहीं करेगी, जिस जगह रहता है वहां की पूरी साफ सफाई करेगा। और इस तरह से उसकी जो वाणी है वो एक धम्म के प्रति एक अच्छी उचित ऐसी वाणी है, योग्य वाणी है। और इस तरह से अगर हमारे समाज में इस तरह से, बाबा साहब चाहते हैं कि इस तरह से पूरे समाज में ऐसे कुछ चंद लोग हमको मिल गए, कि जो पूरी तरह से रात दिन, और युवावस्था, उसकी शादी नहीं हुई तो उसको कोई चिंता ही नहीं, जो सभी चिंता से मुक्त होकर, कोई टेंशन नहीं, किसी बात का टेंशन नहीं, पूरी तरह से समर्पित होकर धम्म का काम करेगा, रात दिन काम करेगा, तो निश्चित वो समाज को अच्छी तरह से, समाज को निर्माण करेगा, समाज को पवित्र बनाएगा और समाज को श्रेष्ठ बनाएगा। इसी तरह ये बाबा साहब आम्बेडकर ने बुद्ध धम्मा में ये बात कही है, और इसके उसके तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है। बाकी जैसे हम कुछ लोग देखते हैं कि जैसे बड़े बड़े अधिकारी है,
रिटायर होने के बाद में आईएएस अधिकारी भी है, रिटायर होने के बाद में उनका एक संगठन बनता है, संगठन बन के फिर वो काम करते हैं, तो आपस में काम करते हैं और आपस में उनका संगठन बनता है। उससे समाज में जो चीज जाना चाहिए, समाज के कल्याण के लिए, हित के लिए जो करना है वो नहीं कर पाते, क्योंकि उनको अभी उनकी उम्र ज्यादा हो गई और जैसे युवा जिस तरह से काम कर सकते उस तरह से उतने तेजी से धम्म को बढ़ाने के लिए वो लोग उतना तेजी से काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ऊपर चिंता रहती है, उनके ऊपर एक दबाव रहता है, परिवार का दबाव रहता है, अगर कुछ कम ज्यादा हो गया तो उसके मिसेस उसको बोलेंगे आप ये नहीं करना चाहिए, बाल बच्चे का भी पूरा टेंशन रहता है, बच्चे की पढ़ाई रहती है, बच्चे की शादी रहती है, सब टेंशन में वो रहता है, फिर भी काम करने की कोशिश करता है, इतना टेंशन रहने के बाद में भी काम करने की कोशिश करता है। लेकिन इस तरह से वो बाबा साहब अम्बेडकर जैसे चाहते थे उतने तेजी से काम नहीं बढ़ा सकता, इसलिए हमें सब मिलकर के ऐसे लोगों का चयन करना चाहिए। कई संगठन से मेरी बात होती है कि ऐसे लोगों का संगठन बन रहा है जो परिवार में अपने घर घरों में लिप्त है, अपने परिवारों में लिप्त है, अपने बच्चों को पढ़ाई, अपने सब परिवार की माँ बाप की सेवा सभी में लिप्त है, तो वो समाज के लिए समय नहीं दे पाते। तो ऐसे लोगों ने कुछ युवाओं को ऐसे प्रेरित करना चाहिए और युवाओं को प्रेरित करके उसका पूरा खर्चा हम लोग भरते हैं। आपको कोई समाज कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ आप पूरा समय समाज का धम्म का काम करो, हम आपकी पूरी तरह से मदद कर सकते हैं। आपके माँ बाप को अगर कोई पैसे की जरूरत हो हम देंगे उनकी मदद। लेकिन जैसे एक सोल्जर पूरा परिवार छोड़ करके अपने युद्ध में चले जाता है और अपने देश के लिए पूरा समर्पित रहता है, उसको किसी की फिक्र नहीं रहती, सिर्फ देश की फिक्र होती है, उसी तरह से धम्म में भी हमें फुल टाइम काम करने वाले लोग, पूरी तरह से समय देने वाले लोग ऐसे हमें निर्माण करना चाहिए। ये बाबा साहब आम्बेडकर की अपेक्षा थी, इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि ऐसे जो बेस्ट लोग होते हैं उनका समाज ने प्रोटेक्शन करना चाहिए, समाज की नीड है, समाज की आवश्यकता है, उसका प्रोटेक्शन करे और उसको आगे बढ़ाने के लिए उसकी सहायता करे, चाहे दुर्बल भी हो लेकिन हम अगर सहाय करें तो वो दुर्बल से सशक्त बन सकता है, अनफिट भी हो लेकिन हम अगर मदद करें तो फिट बन सकता है और संघर्ष में टिका रह सकता है। ये बात इसलिए ये सब करने के लिए हमें नैतिकता की आवश्यकता है, बिना नैतिकता से हम ये काम नहीं कर सकते। जिन जिन लोगों में नैतिकता है आज भी समाज में इतने लोग काम कर रहे, इतने लोग मदद कर रहे हैं, एकमेक को मदद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि उनमें नैतिकता है, उनमें मॉरलिटी है। जिनमें मॉरलिटी नहीं है उसके पास कितना भी पैसा रहो, कितनी भी बड़े पदों पे रहो, कितना भी उसको सुख सुविधा, वो अपने परिवार पुरता ही मर्यादित होता है, अपने रिश्तेदार पुरता ही मर्यादित होता है, उसको समाज का कुछ लेन देन नहीं है, समाज की तरफ वो ध्यान नहीं देगा, क्योंकि क्यों नहीं देगा, क्योंकि उसको नैतिकता का महत्व मालूम नहीं और उसमें नैतिकता नहीं होने की वजह से आज वो कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ रहने के बावजूद भी वो समाज का भला नहीं कर सकता, समाज का कल्याण नहीं कर सकता, चाहे कितना भी पैसा कमाए। कई लोग हमें दिखाई देते हैं कि उनको समाज का कुछ लेन देन नहीं है, समाज को के तरफ वो देखते भी नहीं, गरीबों के तरफ देखते भी नहीं, किसी को मदद भी नहीं करते, ऐसे भी समाज में कई लोग हैं। लेकिन इससे ज्यादा हमारे समाज में हम इतना समाज के ऊपर हमें इतना अभिमान लगता कि हम जिस समाज में पैदा हुए उस समाज के बारे में हमें इतना अभिमान लगता कि हम उस समाज में पैदा हुए जिस समाज में काफी नैतिकवान लोग हो, चाहे गरीब भी होगा लेकिन अगर उसमें नैतिकता है
तो वो निश्चित रूप से आगे बढ़ाने के लिए लोगों को मदद करता है। तो यही नैतिकता, इसलिए नैतिकता सर्वव्यापी होना चाहिए। कुछ लोगों में नैतिकता होती है, नैतिकता किस लिए होती है, अपने परिवार के लिए नैतिकता होती है, ऐसा नहीं। चोरों में भी नैतिकता होती है, धनवानों भी नैतिकता होती है, जो बिजनेसमैन होती है उसमें भी नैतिकता होती है, जो व्यापारी है उनमें भी नैतिकता होती है, जो शोषण करते हैं उनमें भी नैतिकता होती है। लेकिन वो नैतिकता अपने लिए, अपने हित के लिए। कुछ ऐसे ग्रुप, कुछ ऐसे संगठन भी बन गए हैं, ऐसे समाज में कई संगठन है, जैसे दल इसको बोलते, ग्रुप सेटअप बोलते, जिसको ऐसे ग्रुप हमें मिलते हैं, वो ग्रुप बनाते हैं, चाहे 20 लोगों का हो, 50 लोगों का, चाहे बड़ा भी ग्रुप है, वो ग्रुप अपने में ही सीमित काम करता है, वो ग्रुप अपने में ही सीमित करता है, दूसरा ग्रुप बन जाता है, वो दूसरा ग्रुप भी अपने में सीमित रहता है। तो जो ग्रुप के सदस्य है उनके लिए, उनके हित के लिए, कल्याण के लिए काम करता है, लेकिन उसको समाज का कुछ लेन देन, वो समाज की तरफ ध्यान नहीं देते। तो ऐसे जो समाज बाकी लोगों के ऊपर बहिष्कार करने वाले, जो बाकी लोगों के ऊपर बहिष्कार करने वाले और अपने ग्रुप को में आइसोलेट करने वाले, अपने ग्रुप तक सीमित काम करने वाले लोग है, वो अपने हितों के लिए, हितों की रक्षा के लिए अपने सीमित काम करते हैं। तो इस तरह से अगर कई ग्रुप समाज में निर्माण हुए तो समाज, वो सभी ग्रुप समाज का हित नहीं करते, इसलिए वो अपने ग्रुप का हित करते, अपने ग्रुप के हित के लिए काम करते, समाज का हित नहीं करते। तो ऐसे ग्रुप को बाबा साहब अंबेडकर ने बुद्धायन धम्माने का इट इज द एंटी सोशल मॉरलिटी, उनमें है नैतिकता है, मॉरलिटी है, लेकिन वो कैसी मॉरलिटी है, समाज को टुकड़े बनाने वाली है, वो समाज के लिए नहीं है, वो एंटी सोशल मॉरलिटी है। अगर वो पूरी तरह से एक दूसरा, एक ग्रुप अगर अपना ग्रुप छोड़ के दूसरे के मदद के लिए काम करे, दूसरा ग्रुप अपने ग्रुप के हित के लिए काम तो करता है, लेकिन वो दूसरे के लिए काम करे, जो दुर्बल है, जो अनाथ है, जो पीड़ित है, उनके सेवा के लिए काम करे, ऐसे ग्रुप बना के अगर दूसरों को सेवा करने के लिए काम करे, तो वो सही में सामाजिक मॉरलिटी बन जाती है, इट इज सोशल मॉरलिटी। लेकिन जो अपने ग्रुप के लिए काम करते हैं उसको बाबा साहब ने कहा कि एंटी सोशल मॉरलिटी है। तो ऐसी अगर एंटी सोशल मॉरलिटी बन गई समाज में, ऐसे कई ग्रुप बन गए जो अपने ग्रुप तक ही सीमित है, वो दूसरे का कल्याण नहीं कर रहे, तो ऐसे अगर ग्रुप समाज में बन गए तो वो एंटी सोशल मॉरलिटी लोगों के दिल में एक अलग तरह से भावना निर्माण कर देंगी, एक अलग तरह से इमोशन पैदा करेंगी। कौन सी भावना, कि अपने में ही सीमित रहने की भावना उसके अंदर निर्माण हो जाएगी। इस तरह से लोगों में अगर अपने ही सीमित रहने की भावना अगर निर्माण होती है तो वो समाज के लिए हानिकारक है। इससे क्या होगा, छोटे छोटे ग्रुप बनेंगे, छोटे छोटे दल बनेंगे, और पूरा समाज जो है एक दल में, एक छोटे छोटे ग्रुप में बच जाएगा, समाज के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। अब जब समाज के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे तो समाज के जितने भी टुकड़े बन जाएंगे तो उनका एक मॉडल रहेगा, हर एक टुकड़े का एक आदर्श रहेगा और हर एक टुकड़े की एक विचारधारा रहेगी। कैसी, हर एक जो टुकड़ा बनाए, एक ग्रुप बनाए, एक दल बनाए, तो उसका एक विचार अलग रहेगा और उसका आदर्श भी अलग रहेगा। वो बोलेगा कि मेरे ग्रुप का नेता ये है, तो उसका आदर्श वो लेगा। जैसे हमारे राजकीय पार्टी में देखते हैं, बाबा साहब का आदर्श नाम लेंगे लेकिन बाबा साहब का आदर्श नहीं, उनका जो नेता होता है वो नेता उसका आदर्श है, और जो नेता जो बात कहेगा वही वो बात मानी जाएंगी। अगर नेता की बात नहीं मानते तो उनको पक्ष से, वो ग्रुप से निकाला जाता है। तो इस तरह से एक छोटे छोटे टुकड़े में पूरा समाज बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक अलग अलग मॉडल भी तैयार हो गए, एक अलग अलग अपने अपने नेता भी बन जाएंगे और नेता के अलग अलग विचार भी हो जाएंगे।
अभी हम काफी इससे परेशान है, पूरा समाज परेशान है, पूरा भारत देश परेशान है कि कितने नेता है और अलग अलग विचारधारा लेके जाते हैं। अरे हमारे महापुरुष तो दो ही है, तथागत बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर, लेकिन इनको मानने वाले लोग हैं ये कई विचारों में बट गए। बाबा साहब को मानते लेकिन वो कहते कि बाबा साहब ने ऐसा नहीं कहा था, दूसरा कहता है कि बाबा साहब ने ऐसा कहा था, तथागत बुद्ध के इसमें ये नहीं है, कोई बोलते तथागत बुद्ध में ये है। तो वो हमारे महापुरुषों की विचारधारा को भी हमने बांट दिए और हमारे महापुरुषों के चरित्र को भी हमने बांट दिए, हमारे महापुरुषों को भी हमने टुकड़े बना दिए, इसलिए कि हमारे डिफरेंट मॉडल एंड डिफरेंट स्टैंडर्ड है। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जिस दिन डिफरेंट मॉडल एंड डिफरेंट स्टैंडर्ड बन जाएंगे, जिस दिन अलग अलग नेता अलग अलग विचारधारा को लेकर बैठ जाएंगे, तो समाज समाज नहीं रहेगा, सबसे ज्यादा समाज की हानि होगी, क्योंकि पूरे तरह से हमारे टुकड़े टुकड़े हो गए, छिन्न भिन्न हो गए। किसी की सही विचारधारा भी होगी तो समाज उसको स्वीकारेगा नहीं, किसी का दावा सही है, उसकी सही है डिमांड, उसकी सही है तो भी लोग पूरे नहीं करेंगे, क्योंकि समाज टुकड़े टुकड़े में बढ़ गया। अगर इसी तरह से टुकड़े टुकड़े में समाज बढ़ जाएगा, डिफरेंट स्टैंडर्ड रहेंगे, डिफरेंट मॉडल रहेंगे, तो समाज में कलह पैदा होगा। बाबा साहब अम्बेडकर स्ट्रगल विद इन सोशल समाज, सोसाइटी में, हमारे सोसाइटी में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, हमेशा हमारे समाज में स्ट्रगल बना रहेगा, मिटेगा नहीं, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति, जब हमारी भावनाएं एकमेक से विरुद्ध हो गई तो हम एकजुट करके मिलजुल करके कैसे रह सकते। जब हमारे डिफरेंट मॉडल है, डिफरेंट स्टैंडर्ड है, तो एकजुट कैसे रह सकते हम, ये भावना हमारे मन में पैदा ही नहीं हो सकती। इसलिए हमें कलह, हमेशा कलह रहेगा। जिस कलह के लिए सिद्धार्थ गौतम ने इतनी बड़ी संबोधि प्राप्त की, किस लिए? अरे पानी के बंटवारे का तो हल हो गया था, लेकिन सिद्धार्थ गौतम ये कहते हैं ये तो छोटा सा युद्ध था। सिद्धार्थ गौतम कहते ये छोटी सी समस्या थी, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो भाई भाई में कलह है, भाई बहन में कलह है, अपने रिश्तेदारों में कलह है, जाति जाति में कलह है, ये सबसे बड़ी हमारी समस्या है। इट इज द सोशल कॉन्फ्लिक्ट। सिद्धार्थ गौतम बोलते कि ये हमारे दुख का, इट इज द रूट ऑफ अवर सफरिंग, हमारे दुख का ये सफरिंग है, ये रूट है, ये मूल कारण है हमारी समस्या कि हमारे अंदर कलह की भावना है। भाई भाई में कलह शादी होने के बाद में, भाई भाई में कलह शादी होने के बाद में, बहन भाई भाई में कलह, अरे जिस थाली में हम सब भाई भाई इकट्ठा खाते थे, मिलजुल कर रहते थे, भाई को अगर किसी ने मारा तो बहन रोती थी, अगर बहन ने बहन को किसी ने मारा तो भाई रोता था, शादी होने के बाद में ये प्यार कहाँ गया, ये चीज कहाँ गई। जिस बाप ने बेटे को चलाना चलना सिखाया, उसको हाथ पकड़ के चलना सिखाया, उसको बोलना सिखाया, बुढ़ापा होने के बाद में कहाँ गया पिताजी का प्यार, कहाँ गया पिताजी का प्यार, कहाँ गई अपनी जिम्मेदारी, कहाँ गए अपने अधिकार। इसलिए ये जो कलह निर्माण हुए तो नैतिकता नहीं होने की वजह से कलह हो गए, और जो डिफरेंट मॉडल जो हो गए, डिफरेंट स्टैंडर्ड हो गए, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग हमारे नेता हो गए, इसलिए हमारे आदर्श अलग अलग हो गए, इसलिए सब समस्या निर्माण हो गई। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हमारा वन मॉडल एंड वन स्टैंडर्ड, ये ख्याल में रखो। आप कितने भी विद्वान बनो, कितनी भी आपके पास संपत्ति रहे, आप कितने भी संगठन बनाओ, हम आगे बढ़ नहीं सकते जब तक बाबा साहब की बात हम नहीं मानेंगे। बाबा साहब के कहना जब हम मानेंगे नहीं, अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखित स्वरूप में दिया है, आप बुद्धन धम्मा पढ़ो इंग्लिश में, वहां लिखित स्वरूप में बाबा साहब ने बताया कि जब तक वन मॉडल एंड वन स्टैंडर्ड हम नहीं बनाएंगे, तब तक हमारे झगड़े ऐसे ही होते रहेंगे। इसलिए हमें, हमारा एक ही महामानव है, हमारी एक ही प्रेरणा है, हमारा एक ही आदर्श है, बाकी सब तो हमारे नेता है। नेता तो अनेक रहेंगे, अनेक संगठन रहेंगे,
आप देख रहे अनेक संगठन होने के बाद में भी वन मॉडल आज भी लोगों में है, जिन लोगों ने वन मॉडल रखा, संघ ग्रुप अलग अलग होना चाहिए, मैं उसके विरोध में नहीं, लेकिन हमारा हम मिलजुल के काम करें, एक संघ दूसरे संघ के लिए काम करे, दूसरे संघ के ऊपर कोई किसी प्रकार की टीका टिप्पणी ना हो। अरे तू अच्छा है तो अच्छा बन, लेकिन दूसरे की क्यों टीका टिप्पणी करता है, दूसरे के पैर पकड़ के क्यों खींचता है, उसको भी काम करने दो, तू जैसा काम कर रहा था उसको भी काम करने दो, नहीं वो गलत काम कर रहा, उसका जो संगठन है उसका दल है वो गलत काम कर रहा, मैं सही काम कर रहा हूं, अरे लोग जांचेंगे लोग देखेंगे तो तू क्यों टीका टिप्पणी कर रहा है। ऐसे से हमारा काम नहीं बनने वाला है, संघ बनाओ संगठन बनाओ, लेकिन मिलजुल के काम करो, एक साथ काम करो, क्योंकि हमारे आदर्श एक है, हमारी एक विचारधारा एक है, बाबा साहब अम्बेडकर की तथा भगवान बुद्ध की विचारधारा दोनों की क्या अलग अलग है। बाबा साहब ने जो बुद्ध धर्म ग्रंथ लिखा क्या अपने नाम से लिखा, बुद्ध का ही नाम दिया उन्होंने, बुद्ध का ही नाम दिया, और बुद्ध ने धर्म में जो विचारधारा रखी वो उनकी विचारधारा नहीं बुद्ध की विचारधारा है, और वो बुद्ध का धर्म बाबा साहब ने पेश किया। इसलिए हमारा मॉडल कौन है, हमारा मॉडल और विचारधारा एक ही है, बाबा साहब और बुद्ध, उन्होंने एक ही विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए हमें चाहे कितने भी संगठन हो, हम मिलजुल के काम करेंगे, वन मॉडल और वन स्टैंडर्ड करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमें एक जो समाज में अच्छे काम करते हैं उसको सेव करना है, उसकी सुरक्षा करना है, उसको उसका पालन उसको उसको मदद करना है, चाहे भिक्खु हो, भिक्खु आज इतने नागपुर में आज 500 के करीब भिक्षु है, क्या कोई भिक्खु भिक्खु उसको खाना नहीं मिल रहा है, समाज सभी भिक्खु को खाना दे रहा है, भिक्खु को सभी व्यवस्था कर रहा है, आज सभी भिक्षु नागपुर में बड़े खुशी से आनंदित है, क्योंकि ये समाज में मॉरलिटी है। इसलिए आज भिक्खु उसके पास कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ चिवर रहता, फिर भी समाज उसको सब कुछ देता है। तो हमारे पास इतने बड़े अच्छे लोग हैं, तो हमें मिलजुल के काम करने की आदत डालना चाहिए। दूसरी बात कहा कि जो एक विचार एक ग्रुप सेटअप का जब शासन होता है, एक ही ग्रुप का जब शासन होता है, एक ही ग्रुप जब बहुजन एक ही ग्रुप का शासन रहता है, एक ही पार्टी का पूरी तरह से शासन रहता है, तभी देश को एक खतरा पैदा होता है, क्योंकि अगर वो ग्रुप अपने पक्ष के हित के लिए काम करना शुरू कर देगा, अपने पक्ष के हित के लिए काम करेगा और संविधान एक बाजू में रख देगा, क्योंकि इस देश का संविधान ये सबको साथ में लेके चलना चलने वाला है, सबको साथ में लेके चलने वाला संविधान है, अगर इस संविधान के ऊपर उन्होंने अपने पक्ष की विचारधारा रखी, ऐसे एक ग्रुप सेटअप के हाथ में एक ग्रुप सेटअप के हाथ में अगर पूरा देश चले जाता है, शासन चले जाता है तो उस शासन व्यवस्था में वर्ग जो है जो वर्ग व्यवस्था है वो वर्ग व्यवस्था और मजबूत हो सकती है। ये बाबा साहब ने लिखा है, बाबा साहब कहते हैं कि एक ही ग्रुप के हाथ में अगर शासन मिल जाता है, शासन व्यवस्था आ जाती है, तो फिर से वर्ग जड़ीभूत हो जाते हैं, यानी जो वर्ग है क्लासेस है वो और मजबूत हो जाते हैं और न्याय नहीं मिलता, न्याय को नकारा जाता, क्योंकि एक ही वर्ग के हाथ में शासन रहने से न्यायपालिका जो होती है शासन की, उसको भी वो अपने नियंत्रण में रखता है, अपने कंट्रोल में रखता है, जिससे अन्याय ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि उनके पक्ष का आदमी अगर अन्याय करता है तो पूरा पक्ष के लोग अपने पक्ष के आदमी को बचाने के लिए आगे आ सकते हैं, ऐसे ऐसे से और अन्याचार आगे बढ़ सकते हैं, उससे जो आपस में जो भाईचारा है वो आपस में भाईचारा नहीं रहेगा, तो उससे ज्यादा खराब है, खराब परिस्थिति निर्माण होगी, उससे
जो कुछ लोगों को समता मिल सकती है, कुछ लोगों को समता प्राप्त हो सकती है, लेकिन जो उनके ग्रुप के लोग हैं, उनके मर्जी वाले लोग हैं, उनके निकट जो लोग हैं, उनको ही समता मिल सकती है, लेकिन बाकी लोगों के लिए असमानता रहती है। स्वतंत्रता कुछ चंद लोगों के लिए स्वतंत्रता मिल सकती है, बाकी लोगों के लिए स्वतंत्रता नहीं मिलती। अगर एक ही विचारधारा का शासन हो तो वो अपने विचारधारा को बढ़ाने की कोशिश करेगा, संविधान की तरफ दुर्लक्ष्य करेगा, संविधान को बाजू में रख देगा। जो भाईचारा है, बंधुभाव है, ब्रदरहुड, वो भी भाईचारा अपने ही लोगों तक सीमित रखेगा, दूसरे लोगों से भाईचारा नहीं बनाएगा, वो आपस में टकराते रहेंगे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हमें आपस में भाईचारा बना के रखना है। सबसे जो अच्छा शील है नैतिकता, नैतिकता का दूसरा नाम है भाईचारा, बंधुभाव। बंधुभाव ये कैसा होना चाहिए? एक विशिष्ट ग्रुप के लिए नहीं होना चाहिए, एक अपने परिवार तक सीमित नहीं होना चाहिए। बंधुभाव है ये सर्वव्यापी होना चाहिए। जैसे नैतिकता को यूनिवर्सल बताया, नैतिकता को पवित्र बताया, जब नैतिकता पवित्र बन जाती है, नैतिकता जब सर्वव्यापी बन जाती है, यूनिवर्सल बन जाती है, तो पूरी दुनिया एक हो जाती है। उसी प्रकार जब भाईचारा है, बंधुभाव है, जब बंधुभाव सर्वव्यापी हो जाता है, अरे ये भी मेरा भाई है, ये भी मेरा भाई है, मैं किसके विरुद्ध में क्या करूं, क्यों करूं इसके विरुद्ध में, ये भी तो मेरा भाई है, मेरे समाज का आदमी है, मेरे देश का आदमी है, मैं उसके विरुद्ध में क्यों काम करूं, उसके विरुद्ध में क्यों मैं कोई कार्रवाई करूं, क्योंकि ये जो हमारे अंदर जो भाईचारा है, वो भी भाईचारा बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि सर्वव्यापी होना चाहिए और सबके लिए होना चाहिए। जब भाईचारा सबके लिए होगा, भाईचारा जब सर्वव्यापी हो जाएगा, यूनिवर्सल हो जाएगा, तो समाज में समता भी रहेगी, स्वतंत्रता भी रहेगी और बंधुत्व भी रहेगी, और सबको न्याय मिलेगा, सबके साथ में मैत्री बनेगी। इसके लिए हमें आवश्यक है कि हम वन मॉडल और वन स्टैंडर्ड बना के रखें, एक ही विचारधारा और हमें एक ही एक नेतृत्व तो बना के रखे। और दूसरी बात है, चाहे कोई भी हो, भाईचारा बना के रखो। भाईचारा ये सबसे बड़ी जीत है, सबसे बड़ी विचारधारा है भाईचारा की, बंधुभाव से। अरे बड़े बड़े लोग भी तुम्हारे भाईचारा के सामने झुक जाएंगे। तथागत बुद्ध का कहना है कि मैत्री और करुणा से बड़े बड़े गुनेगार लोग हैं, उसको भी मैत्री और करुणा से हम जीत सकते हैं, झुका सकते हैं। तो क्या हम आपस में भाईचारा बना के रखें, आपस में करुणा भाव और मैत्री बना के रखें, तो हमारा समाज अच्छा नहीं बन सकता? अगर हम नैतिकता को पवित्र बनाए, नैतिकता को सर्वव्यापी बनाए, तो क्या हमारा समाज अच्छा नहीं बन सकता है? क्या हम आपस में एकजुट मिलजुल कर नहीं रह सकते? रह सकते हैं, निश्चित रह सकते हैं। तो हमारा कहना, अंत में यही कहना चाहूंगा कि हमारे कितने भी ग्रुप हो, लेकिन आपस में मिल जाओ, आपस में भाईचारा बनाओ, बंधुभाव बनाओ, और तुम्हारी नैतिकता को, तुम्हारे मॉरलिटी को आप पवित्र बनाओ, पवित्र दिल से, पवित्र भावना से नैतिकता को आगे आगे बढ़ाओ, और सबके लिए नैतिकता रख, सबके लिए रखो। पीड़ित है, जो कष्ट, जो पीड़ा है, ऐसे पीड़ित लोगों को सहाय करो, जो दुर्बल है ऐसे लोगों को सहाय करो, ताकि वो अपने तक आ सके, अपने समान जी सके और अपने अपने समान पवित्र रह सके। इस तरह से जो नैतिकता के बारे में मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी, जो अवश्य आपको कुछ पसंद आई होंगी ऐसा मैं समझता हूँ, और मेरे धम्म देशना को यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। सबको नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। आ आ आ